हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइस्ताज एवरीडे लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जहाँ भी होंगे। सुबह का आगाज हो चुका है और अब मैं आई हूँ किचन में पराठा बनाने के लिए। चाय पराठा खाएंगे आज। यहाँ मैंने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी है, आटा मैंने गूंद लिया है। अब मैं पेड़े बनाने लगी हूँ, पेड़े बनाकर पराठा बनाकर फिर वापस आती हूँ। हाँ तो जी, ये मैंने पेड़ा बेल लिया है। अब मैं इस पे ये ऐसे निशान लगाऊंगी, कट लगाऊंगी ऐसे करके, और फिर इसको मैं अब मैं ऐसे मोड़ूंगी। दोनों हाथों से तो आराम से हो जाता है, अभी ये एक हाथ से करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये ऐसे करके इससे ना परत अच्छी बनती है। बहुत सारे तरीके हैं पराठा बनाने के। जी तो मैंने पेड़ा दोबारा फिर उसका बना लिया था और अब ये तवे पर डाल दिया है। इसे पलटते हैं। जी तो यहाँ आप चाय निकाल रही है शाजिया। जी तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ चूल्हा साफ कर रही हूँ। पहले मैंने नाश्ते के बाद वीडियो एडिटिंग की अपनी, जो मुझे आज लगानी थी। उसके बाद मैं अभी आज चूल्हा साफ करने आई हूँ। चूल्हा साफ कर रही हूँ, इसका मेरे पास लिक्विड है, उससे मैं चूल्हा साफ करती हूँ। अब मैं ये साफी से साफ करने लगी हूँ। इसका लिक्विड मैं दिखाती हूँ अभी आपको, जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो। चूल्हा हमारा बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन ये सबको बहुत पसंद आता है। ये असल में मेरे भाई ने बनवाया था, खुद अपनी पसंद से बनवाया था ये। पांच बर्नर हैं इसमें। तो जनाब, ये हमारा किचन साफ हो चुका है। किचन तो खैर अभी साफ नहीं हुआ, अभी सिर्फ मैंने ये चूल्हा साफ किया है। ठीक है, अब ये चूल्हा साफ कर दिया और इसका लिक्विड जो है वो है ये एस्ट्रॉनिश का है, किचन क्लीनर रूबी ग्रेप फ्रूट विद द ग्रीस कटिंग पावर ऑफ नेचुरल ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट ऑयल्स। इससे चूल्हे साफ कर लें आप, सिंक साफ कर लें, और स्लेब वगैरह जो होते हैं चिकने जिसके हों वो साफ़ कर लें। ये टाइल्स वगैरह होते हैं, ये टाइल्स, इस पर भी मैं थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ और साफ़ कर देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा है ये, बल्कि मुझे तो यही पसंद है, क्योंकि क्विक रिज़ल्ट होता है इसका। फ़ौरन के फ़ौरन जो है आपकी चिकनाई साफ़ हो जाती है, और आप देख सकते हैं चूल्हे कितने चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। अब हम स्लेब साफ़ करेंगे। अब जैसे देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, अब मैं इसे ये साफ़ कर दूंगी। ये स्प्रे किया, ये इससे स्प्रे किया और ये साफ़ हो जाएगा, बल्कि मैं आपको करके दिखाई दूँ। ये सब जगह आपने स्प्रे किया। अब हम इसे साफ़ करके दिखाते हैं। ये है, ये देखें, ये
फौरन साफ कर देता है। ये देखें बिल्कुल साफ हो गया, नज़र भी नहीं आ रहा कि कुछ था यहाँ, इतना साफ कर देता है ये। क्विक रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा है। हम इसे ये इससे साफ कर देते हैं। मैंने आपका चेंज बनाया है। क्या बनाया है? चेंज। अच्छा, क्या कर रही हो? ये सफाई कर रही हूँ मैं, और वो दिखा रही थी ऐसी करके। कौन सफाई करता हुआ दिखाता है जी? तो मैं यहाँ पर अब मॉप लगा रही हूँ। ये मैंने मॉप लिया हुआ है, इससे आराम से बगैर झुके जो है काम हो जाता है, क्योंकि मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं इससे जो है पोछा देती हूँ। मॉप से आराम से हो जाता है सब जगह से ना, खड़े खड़े मॉप दिल जाता है। तुम कहाँ छुप गए? ये देखें कितनी हवा चल रही है आज, इतनी तेज हवा चल रही है और मिट्टी भी उड़ रही है थोड़ी। हवा बहुत अच्छी चल रही है। तुम कहाँ छुपे हुए हो? अली पत्ता बेजी नहीं करो। अबे मैं गिर गई। अली की बच्चे, अली की बच्चे नहीं कर। अली, अली मेरी वीडियो खराब करवा रहे। ये मेरा स्टूडेंट है जो बहुत शरारती है, तो ये मुझे तंग कर रहा है। ये हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी, और आप देख सकते हैं सामने कोई बच्ची बहुत खुश हो रही है बारिश के होने से, हल्की बूंदाबांदी होने से। और ये दरख्त जब हम आए थे तो इतना खिला हुआ नहीं था, हरा भरा नहीं था। माशाल्लाह ये हमारे आने से हरा भरा हो गया। बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदे पड़ने स्टार्ट हो गई हैं। ये देखें बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। ये रिक्शे वाले यहाँ पे अब ज़रा तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, बारिश स्टार्ट हो गई। सामने वाले घर के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने साथ रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखिएगा, और उनका भी ख्याल रखिएगा कि जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।